प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, बानर बांकोरे। बड़ा आनंद आया और हम पहली बार कथा में हम भी नृत्य किए हैं, भाव ही ऐसा है कि कोई भी गर्वित भाव से नृत्य करने लगेगा। हमारे दिल्ली का ये सौभाग्य है, हमारी यमुना पार का ये सौभाग्य है कि पिछले 3-4 महीनों में हम अपने क्षेत्र में दूसरी बार इतनी सुंदर कथा का श्रवण कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। एक दिन हम लोग गुरु जी के पास जा रहे थे, गुरु जी अजय महावर भी थे, हमारे इस क्षेत्र के विधायक हैं और मेरे छोटे भाई हैं। और प्रमोद आप तो नहीं, उस दिन नहीं थे ना, अच्छा ठीक है, रतनलाल जी के बेटे थे रवि। तो हम लोग पूरा दिन फ्लाइट में ही रह गए, फ्लाइट उड़ी, फ्लाइट उतरी, लेकिन पता नहीं क्या था, हम लोगों से क्या गलती हुई थी, फ्लाइट उदयपुर नहीं उतरी। तो आप समझ सकते हैं उस दिन कई लोग यहां होंगे जो उस फ्लाइट में थे, दिल्ली के करीब 15 लोग थे, लेकिन हम लोग यही मान के चले कोई बात नहीं। मैं फोटो भेज रहा था और हमारे गुरुजी जितनी सुंदर कथा कहते हैं, परम पूज्य मुरली गुरुजी, उन कथाओं के भाव जो गुरुजी के शब्दों से, गुरुजी की वाणी से और गुरुजी के व्यक्तित्व से जो कथाओं का भाव निकलता है, उसके कारण इतने लोग बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। गुरुजी आप तो बहुत हमको सम्मान दे देते हैं और हम हमेशा हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि अब हम लोग, आपने तो 5 बार कहा, हम चाहते हैं साल भर में 10 बार सुनने को मिले। वो कहते हैं ना कि कितना भी सुनते हैं जी भरता नहीं है, कितना भी सुन लो जी भरता नहीं है, और बैठ के उठ जाए ऐसा मन करता नहीं। ये जमुना की कृपा है के भाव जमुना पार का, आपकी कथा के बिना ये मन कोई हरता नहीं। मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूं, जो मन में आ रहा है बोल दे रहा हूं, लेकिन हम अभी आजकल अपने गुरु भाइयों से मिलता हूं मैं, जो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में हैं, और मेरा बड़ी फायदा हो रहा है। मेरा फायदा ये हो रहा है गुरुजी कि आपने मुझे इतना स्नेह दिया कि अब तक मुझे 7-8 लोग अपने अपने घरों में बुला के अलग अलग मेरा खूब स्वागत भाव कर चुके हैं। और हमको कई बार गुरुजी ने इशारा किया है, बड़े बड़े संतों ने कहा है कि अगर संत की कृपा आपके ऊपर हो गई तो भक्तों की कृपा तो होती रहती है, इसमें कोई दो राय है नहीं।
पिछली बार गुरुजी आपके मंच पे जब मैं आया ना, तो अचानक मेरे मन से गीत निकल गया था, वो अचानक निकल गया था, फिर बाद में मैंने उसको लिख के सही ढंग से पूरा किया, और वो गीत था कि राम जी को दिल में बसा लीजिएगा, 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 उलझन हृदय की मिटा लीजिएगा, उलझन हृदय की मिटा लीजिएगा, राम जी को दिल में बसा लीजिएगा, राम जी को दिल में बसा लीजिए। सोचा जो आपकी कथा में सुनता हूं मैं, वो मैंने शब्दों में उतारने की कोशिश की। बोलो संभल कर संभालेंगे राम जी, बोलो संभल कर संभालेंगे राम जी। आप लोगों का मन करे तो गाइएगा, आज मैं पहली बार मोबाइल में देख के गा रहा हूं, क्योंकि पहली बार तो जो मन में आया गा दिया, बाद में मुरली गुरु जी की कथाओं का सार निकाला तो मुझे ये पंक्तियां लिखने के लिए मन किया। बोलो संभल कर संभालेंगे राम जी, बोलो संभल कर संभालेंगे राम जी, शक्ति के पथ पे चला देंगे राम जी, शक्ति के पथ पे चला देंगे राम जी, संभालेंगे राम जी। और कथा से ही चुराया, शबरी से भक्ति चुरा लीजिएगा, शबरी से भक्ति चुरा लीजिए, राजा तो भरत बने पर। मैं अब कथा लगातार सुन रहा हूं, आपने भरत की राम की, तो आपकी कथा सुनते सुनते गुरुजी मेरे मन में भाव आया, राजा तो भरत बने पर खड़ाऊ का राज था, राजा तो भरत बने पर खड़ाऊ का राज था, राम जी थे वन में पर अवध में राम राज था, राम जी तो वन में थे पर अवध में राम राज था। ये सभी लोग जानते ही हैं, राजा भरत बने पर खड़ाऊ का राज था, राम जी तो वन में थे पर अवध में राम राज था, अवध राम राज था। अपने अंदर भी भरत को जगा लीजिएगा, अपने अंदर भी भरत को जगा लीजिए, राम जी को दिल में बसा लीजिएगा, राम जी को दिल में बसा लीजिएगा, उलझन हृदय के मिटा लीजिएगा, उलझन हृदय के मिटा लीजिएगा।
एक हमारे मन में भाव आया, राम नाम के पत्थर से बनते हैं सेतु, राम नाम के पत्थर से बनते हैं सेतु। ये तो हम लोग सुने ही, राम नाम के पत्थर से बनते हैं सेतु, राम नाम के पत्थर से बनते हैं सेतु। नाम का श्रवण करते हैं शुभ कार्य हेतु, नाम का श्रवण करते हैं शुभ कार्य हेतु, नाम का श्रवण करते हैं शुभ कार्य हेतु। तो कहानी तो सुनी लिए, एक सेतु खुद भी बना लीजिएगा, एक सेतु खुद भी बना लीजिएगा, मन के सारे उलझन मिटा लीजिएगा, मन के सारे उलझन मिटा लीजिएगा, राम जी को दिल में बसा लीजिएगा, राम जी को दिल में। सेवा में राम जी है, सेवा ही राम है, सेवा में राम जी है, सेवा ही राम है। ये मैंने गा दिया, इसका मैंने एल्बम बना दिया मुझे। हाँ, और ये रामनवमी को रिलीज हो जाएगा, लेकिन आज तो रिलीज हो गया। जो हम गाए हो तो पता नहीं कैसे रिलीज होगा, सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज रिलीज कर रही है गुरुजी, लेकिन आज तो गुरु दरबार में रिलीज हो गया। सेवा में राम जी है, सेवा ही राम है, सेवा में राम जी है, सेवा ही राम है। मानव की मर्यादा है खुशियों के धाम है, मानव की मर्यादा है खुशियों के धाम है। हाँ, मानव की मर्यादा है खुशियों की धाम है। मैंने गुरु जी की कथा सुनते सुनते एक मन में आया कि ये सब काम तब सफल होगा, गैया को रोटी खिला दीजिएगा, गैया को रोटी खिला दीजिएगा, मन के सारे उलझन मिटा लीजिए, मन के सारे उलझन मिटा लीजिए। ये तो बड़ा आसान है, सब कोई गा सकता है। राम जी को दिल में बसा लीजिएगा, मन के सारे उलझन मिटा लीजिएगा, मन के सारे उलझन मिटा लीजिएगा, राम जी को दिल में बसा लीजिए। जागे है मनोज आज, जागे है मनोज आज, मनोज जी जो कथा करा रहे हैं। कहाँ है मनोज भाई, बैठे हैं ना? हाँ, ये मेरे घर गए थे मुझे बुलाने के लिए। जागे हैं मनोज आज और भी जगेंगे, जागे हैं मनोज आज और भी जगेंगे, आज है मनोज और कल भी रहेंगे, आज है मनोज ये वाला कल भी रहेंगे, जागे
है मनोज और भी जगे। गुरु जी को बार बार बुला लीजिएगा, गुरु जी को बार बार बुला लीजिए। अपने दिल की उलझन, अपने दिल की उलझन मिटा लीजिए। मेरा तो इतना ही कहना है। अब आप सोचिए कि गुरुजी हमको कह देते हैं मनोज, बाकी देश के सांसद लोग हमसे बहुत जलने लगते हैं, क्योंकि कई लोग सोचते हैं उनसे गुरुजी के जुबान पे उनका नाम आ जाए। अब मेरी तो आ रही है। तो एक बड़ी अच्छी कहावत है कि गुरुजी बलवान तो चेला पहलवान। तो हमारे साथ तो हो ही रहा है, लेकिन हम कोई गीत बनाते हैं गुरुजी तो कहीं ना कहीं आप ही लोगों की कथाओं से हमें मिलता है। हम कथा अगर ध्यान से सुन लिए, कहाँ टाइम है जी, किताब पढ़ने का तो समय नहीं है, बच्चों को ये बताने का, बच्चे स्कूल में क्या पढ़ के आए ये बताने का तो समय नहीं है। हर व्यक्ति का समय इतना बिजी है, ऐसे में जब हम दो ढाई घंटे तीन घंटे बैठ लेते हैं, ये जो लोग बैठे हैं ना, आपके ऊपर ईश्वर की बड़ी कृपा है जो आप बैठ ले। संभव नहीं है सबके लिए। ये नेता लोग, कई लोग हम आए तो देखे होंगे कुछ झुंड के झुंड भाग रहे होंगे, तो ये कहां बैठते हैं गुरुजी। लेकिन हम जब बैठने लगते हैं तो कुछ नई नई बातें आती हैं ना दीदी, भैया आता है ना। मैंने ऐसे ही बैठे बैठे इस बार कथा सुनते सुनते हमको एक बात दिमाग में आया कि मैं गाना सुन रहा था, कथा में सुन रहा था कि राम जी होली खेल रहे हैं जब वापस लौटे, अभी अभी होली बीती है। तो हमने भी गुरुजी हमने सुना कि होरी खेले रघुवीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा हनुमत लेकर ढोलक दौड़े अंगद लिए मजीरा, ऐसा गाया सुना। तो मैं सोचने लगा गुरुजी कि जब पहली बार हनुमान जी को पता चला होगा कि वो तो जंगल में रहते थे, उनको क्या पता होली अयोध्या में आए हैं, रंग गुलाल उड़ रहे हैं, तो हनुमान जी जरूर किसी से पूछे होंगे ये क्या हो रहा है। तो किसी ने बताया होगा ये होली है, रंग लगाते हैं। किसको लगाते हैं? अपने जिसको बहुत प्रेम करते हो लगाओ। फिर उनके मन में इच्छा जागी होगी कि राम जी को लगा देते हैं रंग। तो राम जी खड़ा होकर रंग तो लगवाए नहीं होंगे, रंग देख के तो बड़े बड़े भागते हैं। तो मेरे मन में एक भाव आया, मैंने गा दिया गुरु जी कि रंग लेके दौड़े हनुमान जी, दादरा में चला गया। अरे रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। हाँ, और ऐसे रंग लेके नहीं दौड़े, पोछ में बन ले बल्टी के थान जी। अभी तो लोग बांके बांको सुन रहे थे ना, तो हनुमान जी दो चार सौ बाल्टी पोंछ में बांध लिए, क्योंकि राम जी को रंग लगाना है। पोंछ में बन ले बाल्टी के थान जी, राम जी उठ के भागे। रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। अब हमको कई लोगों ने टोका, अरे क्या कर रहे हो, हनुमान जी दौड़ाएंगे राम जी भागेंगे। हमने कहा अच्छे अच्छे भागते हैं रंग देख के,
और हनुमान जी ने बहुत तैयारी किया। देखे कि राम जी भाग रहे तो उन्होंने कहा, मेघ को बोले कपि जल बरसाओ, मेघ को बोले कपि जल बरसाओ, इंद्र को बोले इंद्र फटाफट तो रंग घोरवाओ, इंद्र फटाफट तो रंग घोरवाओ, अरे नभ में समुद्र देव। देखिए हनुमान जी है, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, को नहीं जानत है जग में कपि। हनुमान जी ने समुद्र को बोला, आकाश में जल भेजो बरसाना है, अवध की होली में हाथ बटाओ। नभ में समुद्र देव जल पहुंचाओ, अवध की होली में हाथ बटाओ, अवध की होली में हाथ बटाओ। देखी अद्भुत, देखी हनुमत के अद्भुत अभियान जी, देखे हनुमत का अद्भुत अभियान जी, राम जी उठ के भागे रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। तो गुरु जी मैंने सोचा कि राम जी ने जरूर भरत को बुलाया होगा, हम लोग भी बुलाते हैं ना, मान लीजिए एक दिन हमको अजय महावर ने रंग लेके दौड़ा लिया, तो मैं बुला रहे प्रमोद जल्दी बचाओ यार, पकड़ो इसको अजय को, तो राम जी भी जरूर पुकारे होंगे। गुरु जी कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा, मैं थोड़ा होली के रंग में हूं, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ताली बजा दीजिए मैं समझ जाऊंगा ठीक चल रहा है। हाँ बहुत बढ़िया। राम जी बोले भरत दौड़ो बचाओ, राम जी बोले भरत ओ भरत, राम जी बोले भरत दौड़ो बचाओ, भरत जी बोले आज हमें ना बुलाओ, भरत जी बोले आज हमें ना बुलाओ, भरत जी बोले आज। लक्ष्मण जी पहले से तैयार हैं, वो कोने में छुप गए हैं, बोलते भैया मेरे कान में पानी समा गया है, आप क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। लखन जी छुप के कान खुजाए, भैया हमें आज कुछ ना सुनाए, भैया हमें आज कुछ ना सुनाए। एक कोई है जो बहुत मुस्कुरा रहा है, सिया मंद मंद छेड़े मुस्कान जी, सिया मंद मंद छेड़े मुस्कान जी, राम जी उठ के भागे रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भाग। और चूंकि गुरु जी की कथा ध्यान से सुनिएगा, कौशल्या माँ से राम जी का कोई परेशानी देखा नहीं जाता है। गुरु राम जी भागते भागते माँ के पीछे छुप गए, माँ कौशल्या ने झांक लिए राम को, अपना आंचल फैलाया, राम जी को आंचल में ढक लिया, घर के अंदर ले गई। माँ कौशल्या ने ढांक लिए राम को, बोली अब रामचंद्र निकलेंगे शाम को, बोली अब रामचंद्र निकलेंगे शाम को, बोली अब रामचंद्र। अब शाम को रंग थोड़ी खेला जाता है। कपि बोले रंगे बिना अब ना या राम हो, कपि बोले रंगे बिना अब ना या राम हो, सूर्य देव आज मत होने देना शाम हो, सूर्य देव आज मत होने देना शाम हो, सूर्य देव आज मत
अब ऐसी बात कह दिए कि राम जी बड़ी अचरज में पड़ गए, ये क्या कर रहे हैं। राम जी सोचे हनुमान क्या कर रहे हो। कपि बोले रगे बिना अब ना आराम हो, सूर्य देव आज मत होने देना शाम हो, सूर्य देव आज मत होने देना शाम हो। और सूर्य को धमकी भी दे दिया, नहीं तो अभी बोल रहे थे ना गुरुजी, वो लाइन क्या थी राजस्थानी में, अभी गाना जो हो रहा था, बानर बांको, बानर बांको, बानर बांको ये लंका नगरी में मच गया, बानर बांको। तो जो अक्षय कुमार को सहना पड़ा वो तो तेवर कभी कभी हनुमान जी का दिखता ही होगा। हनुमान जी ने कहा कि सूर्य देव आज शाम मत होने देना, हमें अपने राम जी को रंगना है, नहीं तो बानर के कौन ठेकान जी, नहीं तो बानर के कौन ठेकान जी, राम जी उठ के भागे बानर के कौन ठेकान जी, राम जी। सुनते वाणी राम जी आए, राम जी कौशल्या माँ के आंचल से निकल गए, बोले माँ मुझे मत बचाओ, आज हनुमान को रंग लेने दो वरना एक बार और से अनर्थ हो सकता है। राम जी आए रंग लगवाए, श्री रघुवीर हर सिउर लाए, श्री रघुवीर हर सिउर लाए, भक्त से हरदम हारे भगवान जी, भक्त से हरदम हारे भगवान जी। अब मान लीजिए मेरा ही मन कर जाए होली हो कि आज गुरु जी को रंग लगाना है मुरली गुरु जी को, अब कोई रोकेगा तो मानोगे, आप ही मानोगे रंग लगाना है। गुरु जी की कथाओं में या जो भी हमारे महामनीषी हैं देश के, ये काली कथा नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि रावण खत्म हो गया, रावण वो रावण खत्म हो गया जिसने मां सीता का हरण किया था, कई तरह के रावण तो आज भी हैं गुरु जी। वो कैसे खत्म होंगे, वो मुरली गुरु जी की कथा से हमारे अंदर राम पैदा होंगे और पैदा करते जाएंगे। कि आज अयोध्या कहां बसाए, घर घर लंका बनी जा रही, आज अयोध्या कहां बसाए, गली गली में रावण है तो अपने अंदर राम जगाए, अपने अंदर राम जगाए, अपने अंदर राम जगाए, अपने अंदर राम जगाए, हो संत जनों के मुख से राम की कथा प्रवाहित करते जाए, अपने अंदर राम जगाए, अपने अंदर राम जगाए, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर विहार, राम सिया 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 राम सिया, अपने अंदर राम जगाओ, अपने अंदर राम जगा, राम जगाए कृष्ण जगाए, ओ कथा गंग में बहते जाए, अपने अंदर राम जगाए,
अपने अंदर राम जगा, अपने अंदर राम जगा। ये तो मैं वही सब बोल रहा हूँ जो हमने गुरुजी से सुना है। गुरुजी की कृपा हमारे ऊपर बड़ी अद्भुत है। हम लोग वो मंदिर का दर्शन नहीं कर पाए हैं जो गुरुजी की प्रेरणा से। आप लोग कितने लोग गए मंदिर पे? कुछ लोग हैं जो गए थे। अच्छा, तो एक बार ऐसा कर दिया जाए मनोज बाबू, एक ठोक दिन ट्रेन व्रेन कर देते हैं, चल चलते हम लोग गुरुजी एक बार, क्योंकि उसको आधा मत छोड़िएगा, एक दिन तो हम लोग को वहाँ बुला ही लीजिए। हरिओम हरिओम। देखिए, मैंने ऐसे नहीं कहा था, और मैं तो एक ऐसा आदमी हूँ, मुझे जो सुनते हैं जो सबको पता है, मैं कभी किसी की प्रशंसा करता ही नहीं हूँ राम जी के अलावा, और विशेष रूप से राजनेताओं की नहीं करता हूँ। उसमें हमारे तो मनोज जी तो सांसद हैं, लेकिन वास्तव में जो इनकी जो अद्भुत विलक्षणता है कविता ही, जो कविता करना और साथ में जो गाने की शैली है, माँ शारदा की असीम कृपा, मैं तो कह रहा हूँ वो बनी रहे, आप ऐसे ही गाते रहें और जगह गाएं, लेकिन हम जब दिल्ली में आए तो एक बार आके जरूर गाएं। अब की बार मैं निवेदन करूँगा आपसे, मेरी मनोज जी 32 दिवस तक कथा होती है हर वर्ष, माँ गंगा के किनारे परमार्थ निकेतन पूज्य हाँ चिदानंद जी के सानिध्य, हर वर्ष 15 मई से लेके 15 जून, बहुत पूरे भारतवर्ष के श्रद्धालु आते हैं, कई वर्षों से गा रहा हूँ। तो इस बार मैं आपको निमंत्रण कर रहा हूँ कि आपको आना है, मैं फोन पे कहूँगा आपको लोग। आप बार बार हमको सांसद बोलते हैं ना, एक तो वो संसद है, निश्चित रूप से संवैधानिक रूप से बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन हम इसी संसद के सदस्य हैं जिसमें सब लोग हम लोग बैठते हैं, इसका बड़ा आनंद है। और ऐसे संसद के बिल्कुल स्पीकर के रूप में आपको हम लोग बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं। कई बार जो राजपीठ नहीं कर पाती है वो व्यासपीठ कर देती है, हमें ये विश्वास है, और आप आपकी बड़ी ज़रूरत है हम सब। और हम लोग पर अजय नोट कर लो प्रमोद, हम लोग परमार्थ निकेतन, और इस बार मैं और भी कुछ तैयारी से आऊँगा।